हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अंजू नील्स किचन। आज हम बनाएंगे चिकन भुना मसाला, जो कि बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम 500 ग्राम चिकन लिए हैं और इसे अच्छे से धोकर साफ कर लिए हैं। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक और एक छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे 15 से 20 मिनट मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। इसके साथ हम लिए हैं 3 मीडियम साइज का कटे हुए प्याज, 2 कटे हुए टमाटर, 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 कटी हुई हरी मिर्च। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो मसाले के लिए लिए हैं हम 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी, थोड़ी सी जावित्री और 1 बड़ी इलायची। इसके साथ 1 चम्मच सौंफ ले लीजिए। मेरे पास सौंफ का पाउडर है, इसलिए हम उसे बाद में डालेंगे। अब इन मसालों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने पैन को हल्का सा गर्म कर लिए हैं। अब इसमें सारे मसाले को डाल देंगे। इसी में हम 1 तेजपत्ता डालेंगे और इन सबको हल्के आंच पर रोस्ट करेंगे। देखिए ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे पीस कर पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ मैंने चिकन भुना मसाला बनाने के लिए कढ़ाई को गर्म कर लिए हैं और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी थोड़ी देर भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और इसे लगातार चलाते हुए भूनना है, नहीं तो लहसुन कढ़ाई में चिपक सकता है। इस समय हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और जब अदरक लहसुन हल्का सा भून जाए तो इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हमने जो मसाले को पाउडर बनाया था उसे भी डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच सौंफ का पाउडर और इन सबको हल्के आंच पर भूनेंगे। तो देखिए ये अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम कटे हुए टमाटर डालेंगे। इसी में हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक हमें हिसाब से डालना है क्योंकि चिकन मैरिनेट होने के लिए भी हम नमक डाले थे। और इसे हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसे हम ढक कर लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इसे बीच बीच में चलाते रहे, नहीं तो मसाला कढ़ाई में चिपक जाएगा। तो देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो देखिए हम इसे 5 मिनट तक फ्राई कर लिए हैं। अब इसे ढक कर 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे या फिर जब तक चिकन अच्छे से पक ना जाए तब तक पकाएंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसमें थोड़ी सी पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें ग्रेवी नहीं चाहिए, हमें ड्राई फ्राई बनाना है। आपको अगर ग्रेवी चाहिए तो थोड़ी सी और पानी डालकर मिक्स कर ले। देखिए आपको इस तरह का ग्रेवी चाहिए तो इसी समय गैस को ऑफ कर दीजिए। हम इसे थोड़ी सी और ड्राई करेंगे। तो देखिए हमारा चिकन भुना मसाला बनकर तैयार है। इसमें हम धनिया पत्ता डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए ये सर्व करने के लिए तैयार है। फ्रेंड, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।